भजन संहिता अध्याय 34 उसका चौथा वचन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1-4। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। रोमियो अध्याय 8 उसका 38 और 39वां वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कुलुसियों अध्याय 3 उसका 13वां वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यशाया अध्याय 26 उसका 4वां वचन। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इफिसियों अध्याय 4 उसका 2वां वचन। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहूदा अध्याय 1 उसका 2वां वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 12वां और 13वां वचन। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। नीति वचन अध्याय 19 उसका 21वां वचन। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसका 4-6। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। मती अध्याय 5 उसका 44 और 45वां वचन। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 28 उसका 15वां वचन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा
और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। रोमियो अध्याय 5 उसका 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। भजन संहिता अध्याय 121 उसका 7वां और 8वां वचन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इफिसियों अध्याय 5 उसका 15वां और 16वां वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। नीति वचन अध्याय 27 उसका 1 और 2 वचन। कल के दिन के विषय में टींग मत मार क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू अपनी सराहना न करना। कुलुसियों अध्याय 3 उसका 23वां और 24वां वचन। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। नीति वचन अध्याय 21 उसका 21वां वचन। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। मती अध्याय 6 उसका 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। भजन संहिता अध्याय 31 उसका 3रा वचन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। भजन संहिता अध्याय 25 उसका 4था वचन। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रोमियो अध्याय 12 उसका 2रा वचन। और इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यूहन्ना अध्याय 7 उसका 38वां वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। लुका अध्याय 6 35 से 38। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है
वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। भजन संहिता अध्याय 1 उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 15-17। देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भजन संहिता अध्याय 34:13-15। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं।